क्योंकि हरियाणा कैबिनेट में पंजाबी राजपूत वैश्य यादव समाज से कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में भाजपा आलाकमान ने चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार, और ये डॉक्टर कमल गुप्ता को आप देख रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक जो शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे हैं, शपथ लेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता। वैश्य समुदाय से आते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और शपथ लेंगे, पहली शपथ मंत्रिमंडल विस्तार में। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिनम मत्वा प्रतिज्ञाम करोमि यद विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धाम निश्चान स्थायामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडतांच रक्ष्यतामि अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्यानां शुद्धांत करणेन श्रद्धापूर्वकम् निर्वहनम् करिव्याशिम् तथा भयम् पक्षपातम् देशम् अनुरागम् विना सर्वान् जनान् प्रति संवाद विद्यो अनुसारेण न्यायम् करिष्यामि। अहम् डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिनम् मत्वा प्रतिज्ञाम् करोइम् यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय अनितो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तम विषयम उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधारीकरण या विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषान न सुयच्छामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहनं करिष्यामि। तो डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले शपथ ली है, संस्कृत में शपथ ली है डॉक्टर कमल गुप्ता ने। दूसरी बार विधायक चुने गए हिसार विधानसभा सीट से, पेशे से डॉक्टर हैं, मनोहर लाल के साथ भी मंत्री रहे थे, सीपीएस भी बनाया गया था, और अब नायब सिंह सैनी सरकार में इस कैबिनेट विस्तार में पहली शपथ उन्हीं की तरफ से ली गई है। राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट का हिस्सा होंगे। वैश्य समुदाय से आते हैं, सुबह से हम लगातार आपको बता रहे थे, न्यूज 18 ने बताया था कि डॉक्टर कमल गुप्ता उन चेहरों में शामिल है जो आज 4:30 बजे चंडीगढ़ राजभवन में शपथ लेंगे। तो पहली शपथ उन्हीं की तरफ से ली गई है, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। संस्कृत में शपथ ली डॉक्टर कमल गुप्ता ने, हिसार से बीजेपी के विधायक, लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस की सावित्री जिंदल को इन्होंने मात दी थी। डॉक्टर कमल गुप्ता को नायब सैनी सरकार में मंत्री पद दिया गया है। सैनी सरकार का यह पहला मंत्री मंडल विस्तार है लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में हर समुदाय को, हर जाति को, हर क्षेत्र को साधने की, तालमेल बिठाने की कोशिश के तहत आप इन चेहरों को देखेंगे। सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, शपथ ले चुके हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, 2 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। वैश्य समाज से आते हैं, 7 नाम आपको बताए थे, उन 7 नामों में से 1 नाम पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 ने डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम बताया था कि डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री पद की शपथ लेंगे, शपथ ले चुके हैं। संस्कृत में उन्होंने शपथ ली है, अपने परिवार के साथ, लाल लश्कर के साथ आज चंडीगढ़ सुबह ही पहुंच गए थे और तभी से ये प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और अब शपथ ले चुके हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। अगला नाम चेहरा कौन होंगे वो तस्वीरें आपको थोड़ी देर बाद नजर आएंगी। तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार और पहला नाम डॉक्टर कमल गुप्ता का, सैनी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, शपथ ले चुके हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। मुख्यमंत्री के साथ नई सरकार के गठन के वक्त 5 मंत्रियों ने, राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती
सीमा त्रिखा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरी खबर पर भी न्यूज 18 की मोहर लगी है। पढ़कर विधानसभा से लगातार दूसरी बार चुनी गई विधायक सीमा त्रिखा मंत्री पद की शपथ लेंगी। ये नाम भी न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि सीमा त्रिखा जो लगातार पढ़कर विधानसभा से जीत कर विधानसभा पहुंची हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएंगी। डॉक्टर कमल गुप्ता के बाद सीमा त्रिखा शपथ के लिए आ रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें, और तस्वीर में आप देख सकते हैं सीमा त्रिखा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सीमा त्रिखा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। सात नाम हमने आपको पहले ही बताए थे। पहला डॉक्टर कमल गुप्ता जो शपथ ले चुके। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो बड़खा विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई सीमा त्रिखा को शपथ दिलाई गई। स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया राज्य मंत्री का। सीमा त्रिखा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। दूसरा चेहरा मंत्रिमंडल विस्तार का डॉक्टर कमल गुप्ता के बाद सीमा त्रिखा का बड़खल विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। सीमा त्रिखा खुद ब्राह्मण परिवार से, लेकिन शादी पंजाबी परिवार में हुई है। मनोर सरकार पार्ट वन में भी सीपीएस रह चुकी हैं, और अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। नई जिम्मेदारी कमलेश झांडा के बाद एक महिला चेहरा, उम्मीद लगाई जा रही थी कि जरूर होगा, तो वो महिला चेहरा है बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा का। सीपीएस भी रही थी पहली टर्म में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, लेकिन सीपीएस का मामला क्योंकि कोर्ट चला गया था, डॉक्टर कमल गुप्ता को भी सीपीएस बनाया गया था, तो ये जो चेहरे पूर्व में सीपीएस रहे अब कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, काफी महत्वपूर्ण हर लिहाज से, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में हर समीकरण को, हर सियासी गणित को देखते हुए इन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था 5 मंत्रियों का, उसके बाद से हरियाणा कैबिनेट में पंजाबी, राजपूत, वैश्य और यादव समाज से कोई मंत्री नहीं था। ऐसे में उम्मीदें थी कि जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनमें, उसमें इन बिरादरियों को जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो वैश्य समाज से डॉक्टर कमल गुप्ता को जगह दी गई है। आप कह सकते हैं सीमा त्रिखा को पंजाबी समुदाय की तरफ से कैबिनेट में शामिल किया गया है। ब्राह्मण परिवार में जन्मी, लेकिन शादी पंजाबी परिवार में हुई, तो यहां कहा जा सकता है कि उसी कोटे से उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। वैश्य समुदाय से डॉक्टर कमल गुप्ता शपथ ले चुके हैं। कुछ और चेहरों की हमने आपके साथ बात की थी, जिनमें 2 पर मुहर लग चुकी है, डॉक्टर कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, और इसके अलावा महिपाल ढांडा का नाम भी उन चेहरों में है, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा। देखते हैं अगला चेहरा कौन होंगे जिनको सैनी सरकार। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लेंगे महिपाल ढांडा। तीसरा जाट चेहरा सैनी सरकार के कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं महिपाल ढांडा। छात्र राजनीति से कैबिनेट तक का सफर उन्होंने तय किया है। शपथ लेंगे महिपाल ढांडा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तीसरे नाम पर भी मोहर लगी है। न्यूज 18 ने महिपाल ढांडा का नाम भी पहले ही बता दिया था कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक बने थे, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा जाट नेता और छात्र राजनीति से आज कैबिनेट तक का सफर। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब तमाम बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चुनाव हार गए थे, कैबिनेट के चेहरे भी चुनाव हार गए थे, उस वक्त महिपाल ढांडा ने जीत दर्ज की थी, अपनी साख बचाई थी और अपना दम दिखाया था। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने, शपथ ले चुके हैं।